हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जनरल ज्योग्राफी की घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे और इसमें अभी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम सोलर सिस्टम पढ़ रहे हैं। सोलर सिस्टम के अंडर हम क्या है, अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो प्लैनेट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूरेनस के बारे में। यूरेनस इज़ द सेवंथ प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, यूरेनस क्या है, सन से कौन से नंबर पर है, सेवंथ नंबर पर ये प्लैनेट है यूरेनस। जब हम सन से देखते हैं, जैसे कि क्या है, सबसे पहले है मरकरी, वीनस, अर्थ, इस तरीके से जो डिस्टेंस है, जो सन से जो क्या है, जो प्लैनेट्स अरेंज हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कौन सा नंबर है यूरेनस का, सेवंथ प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में यूरेनस का थर्ड नंबर है, ठीक है। यूरेनस वाज डिस्कवर्ड बाय सर विलियम हर्सेल, ठीक है। यूरेनस को किसने डिस्कवर किया है, डिस्कवर्ड बाय विलियम हर्सेल ऑन 13 मार्च 1781। द अक्षियल टिल्ट और इक्विटोरियल इंक्लिनेशन ऑफ यूरेनस कितना है, यूरेनस का जो अक्षियल टिल्ट है वो है 97.8 डिग्री, ठीक है। लाइक वीनस यूरेनस रोटेट्स ईस्ट टू वेस्ट। ध्यान रखिएगा, जो वीनस और यूरेनस हैं वो दोनों क्या करते हैं, किस तरीके से रोटेट होते हैं, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट होते हैं। यूरेनस टेक्स अबाउट 17.2 आवर्स टू रोटेट वंस, ठीक है। यूरेनस टेक्स अबाउट 17.2 आवर्स टू रोटेट वंस। ये क्या है, एक यूरेनियन डे जो है, यूरेनस का जो डे होता है वो कितने आवर्स का होता है, 17.2 आवर्स का एक दिन होता है यूरेनस में, यूरेनस प्लैनेट में, ठीक है। एंड अबाउट 83.7 अर्थ ईयर्स टू कम्प्लीट एन ऑर्बिट ऑफ द सन, ठीक है। ए यूरेनियन ईयर, एक साल कितने टाइम का होता है यूरेनस प्लैनेट में, जो 83.7 अर्थ ईयर्स टू कम्प्लीट एन ऑर्बिट ऑफ द सन ए यूरेनियन ईयर, ठीक है। यूरेनस में जो एक साल होता है वो कितना टाइम लगाता है, 83.7 अर्थ ईयर्स टू कम्प्लीट एन ऑर्बिट ऑफ द सन, और इसी को क्या कहते हैं, यूरेनियन ईयर कहते हैं। मतलब यूरेनस में जो वर्ष होता है, एक साल का टाइम है, उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 83.7 अर्थ ईयर्स के बराबर इतना टाइम लगता है एक यूरेनियन ईयर में, ठीक है। ऑन यूरेनस द सन राइजेज इन द वेस्ट एंड सेट्स इन द ईस्ट। ध्यान रखिएगा, यूरेनस में सन राइज होता है वेस्ट में और सेट होता है ईस्ट में, यानी अर्थ का जस्ट उल्टा है। जैसा कि हम देखते हैं, हम क्या कहते हैं नॉर्मली अर्थ में अपनी प्लैनेट के लिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। एंड सेट इन द, कहाँ पर सेट होता है, यहाँ पर अर्थ में, सेट्स इन द वेस्ट। लेकिन यूरेनस में क्या है, द सन राइजेज इन द वेस्ट एंड सेट्स इन द ईस्ट। तो ये क्या है, जस्ट अपोजिट है अर्थ के। उसके बाद नेक्स्ट है द कंपोजिशन ऑफ यूरेनस। अब हम क्या देखेंगे, कंपोजिशन देखेंगे यूरेनस के एटमॉस्फेयर का, ठीक है। इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स बल्क कंसिस्टिंग मेनली ऑफ मॉलिकुलर हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एंड अमोनिया, ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ यूरेनस एटमॉस्फेयर इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स बल्क कंसिस्टिंग मेनली ऑफ मॉलिकुलर हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एंड अमोनिया, ठीक है। जो यूरेनस का जो एटमॉस्फेयर है, यूरेनस प्लैनेट का जो वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ पर मेनली क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ पर मेनली है मॉलिकुलर हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एंड अमोनिया, ठीक है। ये सभी गैसेस पाई जाती हैं यूरेनस के एटमॉस्फेयर में। इसके बाद नेक्स्ट है ड्यू टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ठीक है। यूरेनस इज एन आइस जाइंट एंड अपीयर्स टू बी ब्लू ग्रीन इन कलर। ध्यान रखिएगा, ड्यू टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन, यूरेनस इज एन आइस जाइंट एंड अपीयर्स टू बी ब्लू ग्रीन इन कलर। कैसा दिखाई देता है यूरेनस, ब्लू ग्रीन दिखाई देता है, ठीक है। यूरेनस हैज़ 27 मून्स, यूरेनस के पास कितने सैटेलाइट्स हैं, कितने मून्स हैं, 27। जस्ट लाइक सैटर्न,
यूरेनस हैज़ प्लेनेटरी रिंग्स ऑल्सो। जैसा कि हमने पढ़ा था जब हम सैटर्न को पढ़ रहे थे कि सैटर्न में क्या होते हैं, कुछ रिंग्स होते हैं, वलय होते हैं, छल्ले जिन्हें हम कहते हैं रिंग्स में, ठीक है, सराउंडिंग जो क्या है, सराउंडिंग रिंग्स होती हैं सैटर्न में। और हमने पढ़ा था कि सैटर्न के साथ साथ हमारे जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो सौरमंडल है, उसमें क्या है, तीन अदर प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनमें कि क्या है, जिनमें भी जो रिंग्स हैं, प्लेनेटरी रिंग्स, वो पाई जाती हैं। कौन कौन हैं? यूरेनस है, नेपच्यून है और जुपिटर है, ठीक है। इन तीनों में भी क्या है, जो रिंग्स हैं वो पाई जाती हैं, ठीक है। इसको हमने पढ़ा था कि जुपिटर, यूरेनस एंड नेपच्यून आल्सो हैव ए रिंग सिस्टम, ठीक है। तो यूरेनस में भी होती हैं रिंग्स। इसके बाद नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे नेपच्यून के बारे में। जो नेपच्यून प्लैनेट है, नेपच्यून प्लैनेट वॉज डिस्कवर्ड बाय जर्मन एस्ट्रोलॉजर जोहान गॉटफ्राइड गैले, ठीक है। जो नेपच्यून है उसको किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? बाय द जर्मन एस्ट्रोलॉजर जोहान गॉटफ्राइड गैले ऑन 23 सितंबर 1846, ठीक है। वन डे ऑन नेपच्यून टेक्स प्लेस 16 आवर्स। एक दिन नेपच्यून में कितने टाइम का होता है? एक दिन नेपच्यून में होता है 16 घंटे का। द टाइम इट टेक्स फॉर नेपच्यून टू रोटेट, द टाइम इट्स टेक्स फॉर नेपच्यून टू रोटेट, उसे क्या है, दिन रात जो बनते हैं, तो नेपच्यून में जो एक दिन होता है कितने, जैसे हमारे यहाँ क्या है, एक दिन अर्थ में 24 आवर्स का होता है, तो यहाँ पर नेपच्यून प्लैनेट में 16 आवर्स का एक डे होता है। नेक्स्ट है इसके बाद, एंड नेपच्यून मेक्स ए कम्प्लीट ऑर्बिट अराउंड द सन इज़ अबाउट 163.7 ईयर्स। सन के अराउंड नेपच्यून एक ऑर्बिट कितने टाइम में कम्प्लीट करता है? 163.7 ईयर्स। तो क्या है, यहाँ पर 163.7 ईयर्स में एक इसका क्या है, एक ईयर इसका माना जाएगा, ठीक है। नेपच्यून मेक्स ए कम्प्लीट ऑर्बिट अराउंड द सन इज़ अबाउट 163.7 ईयर्स, ठीक है। नेपच्यून्स नेक्स्ट है, नेपच्यून्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज टिल्टेड एट 28.3 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, ठीक है। नेपच्यून जो है अपने एक्सिस पर कितना टिल्ट है, द नेपच्यून्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो नेपच्यून का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कितना टिल्ट है, 28.3 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। नेपच्यून्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज टिल्टेड एट 28.3 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। तो ये हमने पढ़ा नेपच्यून के बारे में, ठीक है। और भी कुछ पॉइंट्स हैं नेपच्यून के बारे में, क्या है, नेपच्यून इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। नेपच्यून क्या है, कोल्डेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, विद एन एवरेज टेम्परेचर, कितना है एवरेज टेम्परेचर ऑफ -200 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नेपच्यून का जो टेम्परेचर है कितना है, -200 डिग्री सेंटीग्रेड। नेपच्यून डज नॉट हैव ए सॉलिड सरफेस, ध्यान रखिएगा नेपच्यून में कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं होती है, और सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का नेपच्यून, ठीक है। और इट्स एटमॉस्फेयर इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ, जो नेपच्यून का जो एटमॉस्फेयर है किस चीज़ से बना हुआ है, मेनली हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन से बना हुआ है, ठीक है। जो इसका एटमॉस्फेयर है वो किससे बना हुआ है, नेपच्यून का एटमॉस्फेयर मेनली बना हुआ है हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन से, इसको ध्यान रखिएगा। नेपच्यून हैज़ 14 नोन नेचुरल सैटेलाइट्स अमंग दिस, नेपच्यून के 14 क्या हैं, 14 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह हैं, जिसमें से कि कौन कौन से हैं, ट्राइटन क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है नेपच्यून का, और निरीड भी क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है नेपच्यून का, आर द प्रोमिनेंट वन। नेपच्यून हैज़ 14 नॉन नेचुरल सैटेलाइट्स, अमंग दिस ट्राइटन एंड निरीड आर द प्रोमिनेंट वन। इन 2006 व्हेन प्लूटो वाज एक्सक्लूडेड, ठीक है, फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ प्लैनेट्स, नेपच्यून बिकेम द
फार्दस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम 2006 में जब प्लूटो को रिमूव किया गया, एक्सक्लूड किया गया फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ द प्लैनेट्स, तो तब क्या बन गया, नेपच्यून बिकेम द फार्दस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। फार्दस्ट मतलब इसकी जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा हो गई, इसका सबसे दूर का जो ग्रह है, सबसे जिसके ज़्यादा डिस्टेंस है सोलर सिस्टम में, वो कौन सा है, नेपच्यून है। ठीक है, क्योंकि सन की इससे इसकी जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, सबसे लास्ट हो गया। इससे पहले प्लूटो आता था, लेकिन 2006 में प्लूटो को एक्सक्लूड कर दिया गया फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ द प्लैनेट्स, तो देन क्या हुआ, नेपच्यून बिकेम द फार्दस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो ये हमने पढ़ा यूरेनस और नेपच्यून के बारे में, अब हम पढ़ेंगे प्लूटो के बारे में। ठीक है, तो चलिए प्लूटो के बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट है, प्लूटो वॉज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है प्लूटो को, प्लूटो वॉज डिस्कवर्ड बाय क्लीडे टॉम्बर्ग। ठीक है, क्लीडे टॉम्बर्ग के द्वारा जो प्लूटो है उसको डिस्कवर किया गया है। इट वॉज कंसिडर्ड टू बी द स्मॉलेस्ट एंड द 9th प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, जो प्लूटो है, प्लूटो को डिस्कवर किया गया बाय क्लेडे टॉम्बर्ग। ठीक है, क्लेडी टॉम्बर्ग के द्वारा 1930 में। ठीक है, प्लूटो वॉज डिस्कवर्ड बाय क्लेडी टॉम्बर्ग इन 1930। इट वॉज कंसिडर्ड टू बी द स्मॉलेस्ट। ठीक है, इट वॉज कंसिडर्ड टू बी द स्मॉलेस्ट एंड द 9th प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट है, बिटवीन 14 to 25 August 2006 26th जनरल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन वॉज हेल्ड इन प्राग चेज रिपब्लिक। द असेंबली एक्सक्लूडेड प्लूटो फ्रॉम द लिस्ट ऑफ प्लैनेट्स एंड रीक्लासीफाइड इट एज ए ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, इट वॉज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द ऑर्बिट ऑफ प्लूटो वॉज ओवरलैपिंग विद दैट ऑफ नेपच्यून। प्लूटो हैज़ 5 नोन नेचुरल सैटेलाइट्स। प्लूटो के पास क्या हैं, 5 नोन नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। द क्लोजेस्ट टू प्लूटो इज़ कैरोन। कैरोन क्या है, ये सैटेलाइट है प्लूटो का। फिर है स्टाइक्स। ठीक है, स्टाइक्स हो गया या स्टिक्स हो गया, उसके बाद है निक्स हो गया और कैरबेरोज। ये क्या हैं, कैरबेरोज एंड हाइड्रा, दीज आर द 5 नोन नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ प्लूटो, कैरोन, स्टाइक्स, निक्स, कैरबेरोज एंड हाइड्रा। ठीक है, कैरोन इज़ द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ प्लूटो। कैरोन क्या है, लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ प्लूटो है। प्लूटो टेक्स अबाउट 247.9 ईयर्स टू कम्प्लीट वन ईयर रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। प्लूटो टेक्स अबाउट 247.9 ईयर्स टू कम्प्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। प्लूटो सन के अराउंड यानी सूर्य के चारों तरफ एक रिवॉल्यूशन यानी एक चक्कर लगाने में या एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है, 247.9 ईयर्स। ठीक है, 247.9 ईयर्स का टाइम लेता है। ठीक है, प्लूटो टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। प्लूटो के बारे में हमने क्या पढ़ा, एक बार इसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं। प्लूटो वॉज डिस्कवर्ड बाय क्लीडे टॉम्बर्ग इन 1930। इट वॉज कंसिडर्ड टू बी द स्मॉलेस्ट एंड 9th प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। बिटवीन 14 to 25 August 2006 the 26th जनरल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन वॉज हेल्ड इन प्राग चेज रिपब्लिक। द असेंबली एक्सक्लूडेड प्लूटो फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द प्लैनेट एंड रीक्लासीफाइड इट एज ए ड्वार्फ प्लैनेट। अब प्लूटो क्या है, अब प्लूटो कंसिडर होता है ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में। ठीक है, इट वॉज बिकॉज ऑफ द फैक्ट, ऐसा क्यों है, बिकॉज इट वॉज, क्योंकि जो प्लूटो था वो ओवरलैप हो रहा था नेपच्यून के ऑर्बिट के साथ, इसीलिए इसको क्या किया गया, इसीलिए इसको एक जो प्लैनेट है उससे हटा दिया गया, प्लैनेट की कैटेगरी से एक्सक्लूड किया गया और इसको एक ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर किया गया। किसके द्वारा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा। ठीक है, इनकी जो 26 जनरल असेंबली हुई थी उसमें इसको क्या किया गया कि जो जो प्लूटो है उसको एक्सक्लूड किया गया फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द प्लैनेट्स एंड रीक्लासीफाइड इट एज ए ड्वार्फ प्लैनेट। इट वॉज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द ऑर्बिट ऑफ प्लूटो
वॉज ओवरलैपिंग विद दैट ऑफ नेपच्यून। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो प्लूटो का ऑर्बिट था, जो प्लूटो की जो कक्षा थी, घूर्णन कक्षा जिसमें वो घूमता है अपना, वो ओवरलैप हो रहा था नेपच्यून के ऑर्बिट के साथ, ठीक है। बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द प्लूटो दैट द ऑर्बिट ऑफ द प्लूटो वॉज ओवरलैपिंग विद दैट ऑफ द नेपच्यून। प्लूटो हैज़ 5 नोन नेचुरल सैटेलाइट्स। प्लूटो के पास क्या हैं? 5 नोन नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। द क्लोजेस्ट टू प्लूटो इज़ कैरोन। कैरोन जो है सबसे, क्या है, सबसे निकट का, सबसे समीप का जो प्लूटो का जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, वो है कैरोन। देन स्टाइक्स, देन निक्स, स्टाइक्स, निक्स और कैरबेरोस एंड हाइड्रा, ये क्या है, 5 नोन नेचुरल सैटेलाइट्स हैं प्लूटो के। कैरोन इज़ द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ प्लूटो। कैरोन क्या है, लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ प्लूटो है, साथ ही क्या है, क्लोजेस्ट टू द प्लूटो भी कैरोन ही है, ठीक है, सबसे निकट है और साथ ही सबसे बड़ा सैटेलाइट है प्लूटो का कैरोन। प्लूटो टेक्स अबाउट 247.9 ईयर्स टू कम्प्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। प्लूटो सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन कम्प्लीट करने में कितना टाइम लेता है, 247.9 ईयर्स, ठीक है। तो अब ये हमने पढ़ा तीनों, जो लास्ट के तीन प्लैनेट्स बच गए थे। अब तो जैसे कि प्लूटो को तो अब क्या कर दिया गया है, एक ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में कंसिडर किया गया है और इसे एक्सक्लूड कर दिया गया है फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ प्लैनेट्स। और हमने इसमें पढ़ा यूरेनस के बारे में, नेपच्यून और प्लूटो के बारे में। अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉर वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन यूरेनस टेक्स, तो इसका आंसर बताना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फॉर वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन यूरेनस टेक्स, कितना टाइम लेता है यूरेनस वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन में, सन के अराउंड एक चक्कर लगाने में, एक रिवॉल्यूशन में। इसका आंसर हो जाएगा 84 ईयर्स। यूरेनस पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज 83.7 ईयर्स। ए डे ऑन यूरेनस इज अप्रॉक्सीमेटली 17.22 आवर्स। एक दिन यूरेनस में कितने टाइम का होता है, 17.2 आवर्स का एक दिन होता है यूरेनस में। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फॉर वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन यूरेनस टेक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 84 ईयर्स, ठीक है। यूरेनस ये हो जाएगा 84 ईयर्स। यूरेनस पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज 83.7 ईयर्स। ए डे ऑन यूरेनस इज अप्रॉक्सीमेटली 17.2 आवर्स। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 84 ईयर्स। फॉर वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन यूरेनस टेक्स 84 ईयर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द ईयर इज लार्जेस्ट ऑन। इनमें से बताना है कि कहाँ पर एक वर्ष का वर्ष सबसे ज़्यादा होगा, प्लूटो, नेपच्यून, जुपिटर एंड अर्थ। इसमें से पहला ऑप्शन क्या है, प्लूटो बिल्कुल सही हो जाएगा। द ईयर इज़ लार्जेस्ट ऑन प्लूटो बिकॉज इट इज़ फारदेस्ट अमंग द अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द सन। क्योंकि क्या है, ये काफ़ी दूरी पर है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर है, इसीलिए यहाँ पे जो ईयर है वो सबसे लार्जेस्ट होगा। प्लूटो टेक्स द पीरियड ऑफ 247.99 अर्थ ईयर्स टू कम्प्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। इसको हमने अभी पढ़ा था कि प्लूटो टेक्स द पीरियड ऑफ 247.9 अर्थ ईयर्स टू कम्प्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। तो द ईयर इज लार्जेस्ट ऑन प्लूटो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री है, विच प्लैनेट टेक्स द लॉन्गेस्ट पीरियड इन रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है। तो इसमें से बताना है, विच प्लैनेट टेक्स द लार्जेस्ट पीरियड इन रिवॉल्विंग अराउंड द सन, यूरेनस, जुपिटर, नेपच्यून और प्लूटो। इसमें से बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लूटो। प्लूटो प्लैनेट टेक्स द लॉन्गेस्ट पीरियड इन रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी प्लूटो। नेपच्यून टेक्स द लॉन्गेस्ट पीरियड टू मेक ए रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, एज वी नो दैट प्लैनेट प्लूटो हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ द प्लैनेट सिंस 2006, ठीक है। ये 2004 में पूछा गया था, तो उस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर प्लूटो था, क्योंकि उस टाइम पर 2004 तक क्या है, प्लूटो भी एक क्या होता था, एक प्लैनेट के रूप में कंसिडर होता था, ठीक है। लेकिन अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या है, विच प्लैनेट टेक्स द लॉन्गेस्ट पीरियड इन रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो सबसे फार्दस्ट यानी सन से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर कौन सा
प्लैनेट है प्रेजेंट टाइम में नेपच्यून, ठीक है, क्योंकि अब प्लूटो तो जो अब क्या है प्लैनेट की कैटेगरी से ही हट गया है और इसे क्या कहा जाता है, ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेपच्यून हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 2004 में पूछा गया है, जबकि प्लूटो को जब एक्सक्लूड किया गया है, रिमूव किया गया है कैटेगरी ऑफ प्लैनेट से 2006 में, ठीक है। तो उसके बाद उस टाइम तक इसका आंसर यही था, बट अब क्या हो जाएगा, नेपच्यून हो जाएगा, क्योंकि नेपच्यून की जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो इसीलिए उसको ज़्यादा टाइम लगेगा रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नेपच्यून। नेपच्यून टेक्स द लॉन्गेस्ट पीरियड टू मेक ए रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, एज वी नो दैट द प्लैनेट प्लूटो हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ प्लैनेट सिंस 2006। Now starting from Mercury up to Neptune, only 8 planets come into the category of true planets. The time period of revolution of 4 planets is given below. A celestial body or time of revolution in years. Jupiter कितना time लेता है sun के around क्या है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 11.86 ईयर्स। यूरेनस कितना टाइम लेता है, 83.7 ईयर्स। टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन है सन के अराउंड। फिर है नेपच्यून कितना टाइम लेता है, 163.7 ईयर्स का टाइम लेता है, जो कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं, जो 8 प्लैनेट्स हैं उनमें क्या है, सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है। तो नेपच्यून इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। द नेपच्यून प्लैनेट टेक्स द लॉन्गेस्ट पीरियड इन रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है। तो नेपच्यून कितना टाइम लेगा, 163.7 ईयर्स। प्लूटो जो लेता है ज़्यादा टाइम लेता है नेपच्यून से भी, ठीक है। प्लूटो क्या है, ये बिल्कुल सही बात है कि प्लूटो टेक्स मोर टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन दैन द नेपच्यून, दैट इज़ 247.9 ईयर्स। बट क्या है, प्लूटो अब एक प्लैनेट कंसीडर नहीं होता है, प्लूटो इज नाउ कंसीडर्ड एज ए ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है। तो इसीलिए प्लूटो इसका आंसर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, नेपच्यून हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेपच्यून क्या है, सबसे फार्दस्ट प्लैनेट है फ्रॉम द सन। विच प्लैनेट टेक्स द लॉन्गेस्ट पीरियड इन रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो आंसर ध्यान रखिएगा नेपच्यून हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर है, अकॉर्डिंग टू ए न्यू डेफिनेशन अडॉप्टेड बाय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इन 2006, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लैनेट, इसमें बताना है कि कौन सा प्लैनेट नहीं है। अभी हमने इसको पढ़ा कि जो 2006 में क्या किया गया, प्लूटो को जो प्लैनेट्स हैं उसकी कैटेगरी से रिमूव कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू ए न्यू डेफिनेशन अडॉप्टेड बाय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इन 2006, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लैनेट, तो प्लूटो इज नॉट ए प्लैनेट। इन 26th जनरल असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हेल्ड फ्रॉम 14 टू 25th अगस्त 2006, प्लूटो वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ द प्लैनेट्स एंड वॉज assigned the status of the dwarf planet, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, which is the smallest planet of the solar system, बताना है कि सोलर सिस्टम में सबसे स्मॉलेस्ट प्लानट कौन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, जब ये क्वेश्चन क्या है बहुत पहले का है, ये प्लूटो दिया गया है पहले के अकॉर्डिंग 1991 में पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस अजम्पशन प्लूटो वॉज कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट विद द डायमीटर ऑफ 2370 किलोमीटर और 1473 माइल्स, बट नाउ वी कैन कंसीडर प्लैनेट मरकरी, लेकिन अब क्या है कि अब जो मरकरी प्लैनेट है वो क्या हो जाएगा, मरकरी एज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ध्यान रखिएगा प्रेजेंट टाइम पे हम कंसीडर करते हैं कि मरकरी क्या है, सोलर सिस्टम का स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। द डायमीटर ऑफ ऑल द 8 प्लैनेट्स आर गिवन बिलो, मरकरी की डायमीटर कितनी है, 4879 किलोमीटर। तो विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, प्रेजेंट टाइम में इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी मरकरी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या है ये 1991 का क्वेश्चन है, उस टाइम पे प्लूटो था, बट जैसा कि हम जानते हैं कि जो
26 जनरल असेंबली हुई है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की 2006 में। उसको क्या उसके थ्रू क्या किया गया, प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से रिमूव कर दिया गया। तो यहाँ पर अब क्या होगा, जो स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम है वो मरकरी हो जाएगा। ठीक है, तो मरकरी की डायमीटर कितनी है, 4879 किलोमीटर। वीनस की डायमीटर कितनी है, 12104 किलोमीटर। अर्थ की डायमीटर कितनी है, 12756 किलोमीटर। मार्स की डायमीटर कितनी है, 6792 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट है जुपिटर। जुपिटर की डायमीटर कितनी है, 1,42,984 किलोमीटर। सैटर्न की डायमीटर कितनी है, 1,20,536 किलोमीटर। यूरेनस की डायमीटर कितनी है, यूरेनस की डायमीटर है 51,118 किलोमीटर। नेपच्यून की डायमीटर कितनी है, 49,528 किलोमीटर। ठीक है, 49,528 किलोमीटर नेपच्यून की डायमीटर है। तो इसमें जो सबसे कम डायमीटर है वो मरकरी प्लैनेट का है, कितना है, 4,879 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या पूछा था, विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो हमें पता है कि मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो उसको ध्यान रखिएगा, मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स में पूछा गया है द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम में कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। क्यों हो जाएगा कोल्डेस्ट प्लैनेट, सबसे ज़्यादा जो ठंडा ग्रह है वो नेपच्यून, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस है वो सन से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेपच्यून विच इज़ द फार्देस्ट फ्रॉम द सन इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। द टेम्परेचर ऑफ नेपच्यून्स सरफेस इज़ -200 डिग्री सेंटीग्रेड। नेपच्यून का जो टेम्परेचर है कितना है, नेपच्यून की सरफेस का -200 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड इट्स एटमॉस्फेयर इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन हीलियम एंड मीथेन। जो क्या है नेपच्यून प्लैनेट है, इसका एटमॉस्फेयर बना हुआ है हाइड्रोजन हीलियम और मीथेन गैसेस से। और इसका टेम्परेचर कितना है, द टेम्परेचर ऑफ द नेपच्यून्स सरफेस इज -200 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखिएगा, नेपच्यून का टेम्परेचर कितना है, -200 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और इसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन हीलियम और मीथेन पाई जाती है, और यही क्या है, नेपच्यून ही कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम है। क्यों है, क्योंकि जो इसकी डिस्टेंस है वो सन से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज नेपच्यून। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज द फार्देस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जैसा कि अभी हमने देखा कौन था इसमें, अब हो जाएगा नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून क्या हो जाएगा, नेपच्यून इज़ द फार्देस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, इसको हमने अभी देखा था। तो इसके बाद ये दिया है 2002-2005 का क्वेश्चन है, इसमें आंसर सी इसलिए दिया है क्योंकि उस टाइम पे क्या था, प्लूटो को कंसीडर करते थे हम एज ए प्लैनेट। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब प्लूटो को हम एज ए प्लैनेट कंसीडर नहीं करते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेपच्यून हो जाएगा। जनरली प्लूटो इज कंसिडर्ड एज द फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन एज इट्स ऑर्बिट लाइज इन साइड द ऑर्बिट ऑफ द नेपच्यून। Sometimes Neptune becomes the farthest planet from the sun. Neptune was farthest from 1979 to 1999, but from 11th February 1999. Pluto will be the farthest planet for the next 228 years. Hence, it can be seen that sometime Pluto and sometime Neptune becomes the farthest planet from the sun. As in 2006, फिर वही बात आ गई, Pluto was declared as a dwarf planet. Hence, now Neptune is the correct answer for this question. हमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब जो Pluto है, Pluto को क्या है, एक dwarf planet declare कर दिया गया है, तो इसका correct answer क्या होगा, Neptune ही होगा। हमसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 7 में,
क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज़ द फार्देस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. नेपच्यून होगा इसका आंसर, क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा था कि द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज़ नेपच्यून. क्यों है कोल्डेस्ट? क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस है वो सन से बहुत ज़्यादा है. नेपच्यून विच इज़ फार्देस्ट फ्रॉम द सन इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. इसीलिए क्या होगा, जो फार्देस्ट प्लैनेट है ऑफ द सोलर सिस्टम वो उसका आंसर भी नेपच्यून ही होगा. ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ऑल दो प्लूटो इज़ द फार्देस्ट प्लैनेट, इट्स ऑर्बिटल पाथ इज़ एक्सेसिवली इलिप्टिकल एंड क्रॉसेज अदर प्लैनेट्स ऑर्बिटल पाथ, रिजल्टिंग द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1979 For 20 years, Pluto is not the farthest planet. Which planet is the farthest planet? तो इसका आंसर हो जाएगा Neptune. ठीक है, सिर्फ इतना पूछ रहे थे कि which planet is the farthest planet. ठीक है, तो जैसा कि हमने इसमें क्या किया था, अभी हमने देखा कि प्लूटो को जो है प्लूटो को रिमूव कर दिया गया है. प्लूटो अब कंसीडर होता है एक ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में. तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेपच्यून हो जाएगा. द प्लैनेट इज़ द फार्देस्ट प्लैनेट, तो सीधे सीधे इसका आंसर है नेपच्यून. वैसे क्या दिया गया है, ये पहले के अकॉर्डिंग दिया गया है, 2006 से पहले की बात है ये, कि ऑल दो प्लूटो इज़ द फार्देस्ट प्लैनेट, इट्स ऑर्बिटल पाथ इज एक्सेसिवली इलिप्टिकल एंड क्रॉसेस अदर प्लैनेट्स ऑर्बिटल पाथ, रिजल्टिंग द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1979 फॉर 20 ईयर्स प्लूटो इज नॉट द फार्देस्ट प्लैनेट. विच प्लैनेट इज द फार्देस्ट प्लैनेट, उस टाइम पर भी किसको कंसिडर किया गया था, 1979 से 20 ईयर्स का जो टाइम पीरियड था उस टाइम तक नेपच्यून को ही फार्देस्ट प्लैनेट के रूप में कंसीडर किया गया था. ठीक है, क्योंकि जो प्लूटो है इसका जो ऑर्बिट है वो नेपच्यून से क्या करता है, कई बार ओवरलैप कर देता है. ठीक है, इसीलिए. और वैसे भी अगर हमने अभी पढ़ा, अगर हम प्रेजेंट टाइम पे देखें, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विच इज़ द फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, तो इसका आंसर हो जाएगा नेपच्यून. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. निक्स एंड हाइड्रा आर मून्स ऑफ. निक्स और हाइड्रा किसके मून्स हैं ये हमको बताना है. निक्स एंड हाइड्रा आर द मून्स ऑफ प्लूटो. ठीक है, निक्स एंड हाइड्रा आर द मून्स ऑफ प्लूटो. प्लूटो इज ए ड्वार्फ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. प्लूटो इज ए ड्वार्फ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. प्लूटो हैज़ 5 सैटेलाइट्स. प्लूटो के पास 5 सैटेलाइट्स हैं या 5 मून्स हैं. अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लूटो फ्रॉम इनर टू द आउटर साइड देयर नेम्स आर. ठीक है, ये सभी हम क्या पढ़ रहे हैं, जो प्लूटो के जो सैटेलाइट्स हैं उनके नेम पढ़ रहे हैं. सबसे पहले है कैरन. ठीक है, स्टाइक्स, निक्स और कैरबेरोस. ठीक है, कैरबेरोस एंड हाइड्रा, ये क्या है, ये 5 मून हैं, 5 सैटेलाइट हैं प्लूटो के. कौन कौन से, कैरन, स्टाइक्स, निक्स, कैरबेरोस एंड हाइड्रा. तो यहाँ क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, निक्स एंड हाइड्रा, तो ये किसके प्लैनेट हैं. निक्स एंड हाइड्रा आर द प्लैनेट्स ऑफ द, किसके प्लैनेट्स हैं, प्लूटो के. ठीक है, ये सभी प्लूटो के हैं. और प्लूटो के टोटल कितने सैटेलाइट्स हैं, 5 सैटेलाइट्स हैं, कैरन, स्टाइक्स, निक्स, कैरबेरोस एंड हाइड्रा. ये क्या हैं, प्लूटो के सैटेलाइट्स हैं. कैरन इज़ द बिगेस्ट सैटेलाइट. कैरन क्या है, प्लूटो का बिगेस्ट सैटेलाइट है. ठीक है, देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 79 नोन सैटेलाइट्स ऑफ जुपिटर. ठीक है, कह रहे हैं कि सैटेलाइट्स जुपिटर के अभी तक कितने हैं, 79 हैं, लेकिन ये अपडेट हो गया है. और मैंने आपको बताया था कि जुपिटर के अब 25th फरवरी 2023 के अकॉर्डिंग जुपिटर के अब टोटल कितने मून्स हो गए हैं, 95 मून्स हो गए हैं जुपिटर के. ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जुपिटर के कितने मून्स हो गए हैं, जुपिटर के 95 मून्स या 95 सैटेलाइट्स हो गए हैं 25th फरवरी 2023 तक. ये क्या है, मोस्ट अपडेटेड है. उसके बाद और अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें सबसे ज़्यादा मून किसके हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा मून है कौन से प्लैनेट के पास, सैटर्न के पास. ठीक है, जो सैटर्न है उसके पास कितने मून्स हैं, मैंने इसको बताया था 145 मून्स हो गए हैं
प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। अभी जो रिसेंटली न्यूज़ आई थी मई 2023 की ही न्यूज़ है, जिसमें ये बताया गया कि जो हमारा सैटर्न प्लैनेट है अब क्या है, इसके पास सबसे ज़्यादा मून हो गए हैं, ठीक है। जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम है उसमें जितने भी प्लैनेट हैं उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स किसके पास हैं, सैटर्न के पास हैं, ठीक है। सैटर्न के पास कितने हैं, 145 मून्स हैं। और सेकेंड नंबर पर अगर जुपिटर के देखे जाए तो जुपिटर के कितने हैं, जुपिटर के हैं 95 मून्स, ठीक है। 95 मून्स हैं जुपिटर के, और सैटर्न के कितने हैं, 145, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। तो यही हम इस क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे। मेनली पूछा गया था हमसे कि निक्स और हाइड्रा किसके मून हैं, निक्स और हाइड्रा किसके सैटेलाइट हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा निक्स एंड हाइड्रा आर द मून्स ऑफ द प्लूटो। और इसके अदर जो प्लूटो के जो अदर मून्स हैं वो कौन कौन हैं, अदर मून्स ऑफ द प्लूटो आर कैरोन, स्टाइक्स, निक्स, कैरबेरोस एंड हाइड्रा। कैरोन इज़ द बिगेस्ट सैटेलाइट। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली जुपिटर के अब कितने सैटेलाइट हो गए हैं, अभी मैंने बताया कि जुपिटर के 95 सैटेलाइट्स हो गए हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। 95 सैटेलाइट्स हो गए हैं, एंड टिल नाउ देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सैटेलाइट ऑफ वीनस एंड मरकरी। एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि अभी तक दो ऐसे प्लैनेट हैं कि जिनका अपना कोई भी सैटेलाइट नहीं है, वीनस और एंड मरकरी, ठीक है। वीनस एंड मरकरी का अभी तक कोई भी सैटेलाइट नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। वीनस एंड मरकरी आर द प्लैनेट्स विच हैव नो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सैटेलाइट, ठीक है। वीनस एंड मरकरी के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। जुपिटर के कितने सैटेलाइट हैं, जुपिटर के सैटेलाइट हैं 95, ठीक है। और सैटर्न के सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हो गए हैं, सबसे ज़्यादा मून हो गए हैं 145, ठीक है। तो उसके साथ ही यहाँ पर ये कंप्लीट होता है, ठीक है। हमने जितने भी जो 8 प्लैनेट्स थे, ऑल्सो कंसिडरिंग द ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो, हमने सभी के बारे में पढ़ लिया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मून को पढ़ेंगे, ठीक है। मून से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो अभी का लेक्चर यहीं पर रखते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।